कहे मारने आ रही हूँ भाई, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको मच्छर लग रहे हैं, ये हमको दौड़ाने की तैयारी में है। हम इधर खड़े हैं, ये हमको दौड़ाने की तैयारी में है, निपटाना चाहती है हमको आज ये। तो भाई हमने क्या किया, ये देखो देखो देखो, सो यहाँ पे कुछ अभी लोग भी आए हैं जो अभी। अच्छा आप कैसे पहुँचे मेरे तक, आप बताइए। हम वहाँ पे ऊपर खड़े थे तो वहाँ पे से हमको साउंड आया तो अच्छा। हम इसको बोले कि कौन गाना गा रहा है, चलो देख के आते हैं। फिर हम वहाँ तक गए तो देखे आप बैठे हैं वहाँ पे, फिर हम लोग भी बैठने चले गए, इसीलिए इतना ही अच्छा साउंड अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोगों को खींच के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है वॉइस, एकदम अच्छा है, एकदम एकदम खींच के लाया है आपको वॉइस हम लोगों का, वहाँ से ऊपर से पूरे नीचे तक। हम लोग दुर्गापुर से है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में तो है, वहीं से ही है। तो हम आए हैं प्रयागराज से, अभी हमको लग रहा है बारिश बहुत तेज हो रही है, आप लोग को चलना चाहिए। ओके वेलकम, बाय बाय बाय। जरा सी दिल में दे जगा तू, जरा सपना ले बना, रुख नहीं पर्दा कोई मुझसे है जा, कर ले तू मेरा यकीन, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा बेपना, ओ हो वो। अभी बारिश स्टार्ट हो गई अचानक से, अभी बारिश बहुत तेज होने लगी। नाउ आई हैव टू लीव दिस वुड्स एंड गो बैक टू माय हॉस्टल, बारिश बहुत तेज हो रही है। खैर यहाँ पे बारिश का भी अपना ही मजा है, भीग जाएंगे और क्या होगा। अभी जंगल में और खूबसूरती का कोई ठिकाना ही नहीं है इस जगह पे। दीज वुड्स आर गोइंग टू बी नाइसर एंड नाइसर डे बाय डे, एंड आई एम गोइंग टू लीव दीज वुड्स सून एंड ज्वाइन माय हॉस्टल। Thank you. I have to walk for some minutes before I'm going to leave these woods. ये चारों तरफ से इन पेड़ों को देखिए, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे बारिश बहुत तेज हो रही है और हम तैयार हैं पूरी तरह से भीगने के लिए इन जंगलों में। ये साइलेंट वैली के कुछ नज़ारे तो देखिए आप, ये ऊपर पेड़ों को देखिए, बारिश हो रही है और घने कितने जंगल हैं ये, इन जंगलों को देखिए। अभी यहाँ से जंगल से बाहर इसलिए निकल रहे हैं, बारिश से भीगने का टेंशन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा भर गया तो दलदली जगह हो जाएगी ये, तो उससे निकलने के कारण यहाँ से चलना अभी ज़्यादा बेटर रहेगा। व्यूज अलग लेवल के जा रहे हैं, तो मतलब समय के साथ व्यूज़ भी चेंज होते जा रहे हैं। कल इसी सामने हम छोटे से प्यारे से गांव के घर में इनवाइटेड थे, जहां पे हमको चाय ऑफ़र की गई थी, दार्जिलिंग टी, और अभी तो यहां पर हैं। सामने का व्यू आएगा, हम पूरा साइड हो जाते थोड़ा सा। अति सुंदर
ये है मेरा स्टे पेडोंग में, जोस्टल होम्स पेडोंग। ये प्रॉपर्टी के अंदर जाने का रास्ता। एक प्लम तोड़ने के जुगाड़ में हम लोग सुबह से प्लम तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। अच्छे प्लम्स हैं, ये देखिए, ये देखिए ना, ये लगे हुए हैं सब, यहीं पे सब उगाते हैं, सब सब्जियां, शाक सब्जियां, फल, और यहीं पे सर्व करते हैं। तो प्लम तोड़ने की जुगत में, देखिए प्लम तोड़ रहा है, ये देखिए, ये मिला एक प्लम, ये बहुत सारे फल हैं वहाँ, सेब भी हैं, ये वाला तोड़ो, कैसे वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, ये देखो, आ जाओ, बहुत मीठा है, मीठा ज़्यादा है लेकिन मीठा लगने के बाद हल्का सा खट्टापन आ रहा है, मज़ा आ रहा है। वहाँ जा रहे हैं, इन्होंने पूरी बागबानी करके रखी है यहाँ पे। सबसे लाल वाला, सबसे लाल वाला मिला। तो अभी यहाँ प्लम खा के बहुत ढेरों सारे, अभी एक मोनेस्ट्री है यहाँ पे, उस मोनेस्ट्री की ओर जा रहे हैं, और भी देखते हैं, पेडोंग मार्केट है, और एक प्रधान गांव है यहाँ पे, बताते हैं बहुत खूबसूरत गांव है, उधर जा रहे हैं। ये सामने की रोड, इधर का ही था मैं किधर। अभी एक मोनेस्ट्री जा रहे हैं यहाँ पे, अभी आपको वहीं जाके दिखाते हैं कौन सी मोनेस्ट्री है वेस्ट बंगाल की। ये चलती रोड है, लोग काफ़ी चलते हैं इस रोड पे, वो कट नहीं, बड़ा कट है वो। व्यू देखिए इस जगह के, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, आर्मी एरिया है ये पेडोंग का, गो स्लो। अगर हम इस वैली के राइट साइड जाएंगे तो वहाँ पे स्नो पड़ती है, क्योंकि कंचनजंगा की हवाएं वहाँ पे आती हैं, सामने कंचनजंगा भी दिखता है वहाँ पे, और इधर लेफ्ट साइड नहीं पड़ती है क्योंकि यहाँ प्लेन्स की हवाएं आती हैं। वाह, बहुत बहुत अलौकिक नज़ारा है ये तो। ये बादल पूरे घेर रहे हैं इस जगह को। एक मोनेस्ट्री जाने के लिए आए हैं, और यहाँ बारिश बहुत तेज होने लगी, और मोनेस्ट्री के सामने ही है बट मोनेस्ट्री तक जा नहीं पा रहे हैं। सामने मोनेस्ट्री है, और ये व्यू है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है कि हमको आगे जाने दे, हमने को घूमना है। जब बरसाती पहने थे इतने समय तक तो बारिश नहीं हो रही थी, अभी बरसाती रख के आए तो बारिश शुरू हो गई। वाह, अरे भगवान,